वेलकम टू माई YouTube चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास 10th लेसन भोली, जिसको लिखा है ख्वाजा अहमद अब्बास नाम के फेमस इंडियन फिल्म डायरेक्टर, नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइटर और जर्नलिस्ट ने, जो कि उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में लिखा करते थे। ये जो स्टोरी है इसकी मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो है भोली, जो कि रामलाल की सबसे छोटी बेटी थी। उसने अपने ब्रेन का एक हिस्सा खो दिया था जब वो छोटी थी और वो गिर गई थी एक कॉट के ऊपर से, एक चारपाई के ऊपर से, जब वो 10 महीने की थी। जब वो 2 साल की हुई तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसके कारण जो बहुत ही सुंदर बच्ची थी उसके पूरे चेहरे पे पोक मार्क्स आ गए थे। तो अब वो बहुत खूबसूरत नहीं दिखती थी, काफ़ी सिंपल सी बच्ची थी, इसलिए उसका नाम भोली रख दिया गया, जिसका मतलब होता है सिंपलटन। ये एक बैकवर्ड चाइल्ड थी जो कि स्टैमर करती थी, ढंग से बोल नहीं पाती थी और घर में सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड थी। रामलाल की जो दूसरी बेटियाँ थीं काफ़ी सुंदर थीं, हेल्दी थीं, गुड लुकिंग थी। रामलाल को भोली की बहुत चिंता थी, क्योंकि ना तो वो दिखने में अच्छी थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। तहसीलदार ने एक प्राइमरी स्कूल इनॉग्रेट किया लड़कियों के लिए विलेज में, और क्योंकि रामलाल एक नंबरदार हुआ करता था तो उसको बोला गया कि तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो ताकि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे पूरे गाँव के लिए। रामलाल तहसीलदार को मना नहीं कर पाया और इसलिए भोली को स्कूल भेजा गया। तो ये शायद पहली बार था भोली की लाइफ में जब उसको अच्छे से नहला के उसके बालों पर तेल लगाया गया और उसको एक अच्छे कपड़े दिए गए पहनने के लिए, जो कि उसकी बहन चंपा के थे जो अब उसको नहीं आते थे। तो भोली को पहली बार ढंग से तैयार करके ले जाया गया। भोली को धीरे धीरे लगने लगा कि स्कूल जो है वो घर से एक अच्छी जगह है, और स्कूल में उसको बहुत सारी लड़कियां दिखीं जो कि उसकी एज की थीं, और उसको लगा कि शायद इनमें से वो किसी से दोस्ती कर पाएगी। टीचर ने उससे उसका नाम पूछा बट वो अपना नाम भी ढंग से नहीं बोल पाई। भोली को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगी और बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी वो अपना नाम नहीं बोल पाई, तो वहाँ पर वो रोने लगी। अब उसको लगा कि शायद उसकी टीचर उसको डांटेंगी, बट टीचर जो थी बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही सिंपथेटिक थी और उसने उसको इनक्रेज किया कि वो बोले। जब भोली अपना नाम धीरे धीरे करके भ भ भ भ भोली करके अपना नाम बोलती है तो टीचर उसको उसकी सक्सेस पे पैट करती है, और ये शायद भोली की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आज तक शायद किसी ने भोली से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा था। टीचर ने उसको अश्योर्ड किया कि वो धीरे 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 बोलने लग जाएगी और उसकी जो स्टैमरिंग है, जो उसकी आदत है लड़खड़ाने की, वो भी चली जाएगी। उसने उसको एक बुक दी जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे और भोली को बोला कि तुमको एक महीने में इस किताब को पूरा पढ़ना है। टीचर ने उसको इनक्रेज किया और भोली को बोला कि तुम इस गांव में पढ़ सकती हो, स्कूल में आ सकती हो, और ये भी इंश्योर किया दैट शी वुड बी द मोस्ट लर्नड गर्ल इन द होल विलेज। अब उसके बाद उसको एक मैरिज का ऑफर आता है जब वो बड़ी हो जाती है, एक ग्रॉसर का, एक किराने की दुकान वाला भिशाम्बर, जो कि भोली के लिए शादी करना चाहता है। अब ये जो लड़के वाले थे काफ़ी पैसे वाले थे, उनके पास खुद का घर था, बहुत सारे पैसे थे बैंक में, लेकिन ये उसकी जो एज थी काफ़ी बड़ी थी उस आदमी की, और उसके जो बच्चे थे वो भोली के एज के थे, जो कि उसकी पहली वाइफ से थे। उसकी पहली वाइफ मर गई थी, तो विशंबरनाथ चाहता था कि वो एक दूसरी लड़की से शादी कर ले। तो यहाँ पे भोली के लिए जो ऑफ़र आया था मैरिज का, वो इसलिए आया था क्योंकि विशंबरनाथ की पहली वाइफ मर चुकी थी। भोली इस शादी के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन उसको पता था कि उसकी फैमिली की इज्जत रखने के लिए उसको ये काम करना पड़ेगा। जब वेडिंग का दिन आता है तो विशंबर एक बहुत बड़ी सी पार्टी लेके आता है, बारात लेके आता है, उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं। जैसे ही वो भोली को माला पहनाने वाला होता है, उसने देखा उसका चेहरा जो कि अभी तक उसने नहीं देखा था। वो चिल्लाने लग जाता है, बोलता है कि वो एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसके चेहरे पर इतने सारे पोक मार्क्स हैं। रामलाल जो है, जो भोली के फादर हैं, वो अपनी पगड़ी निकाल के उसके पैरों पर रख देते हैं, लेकिन विशंबरनाथ की दिल में कोई दया नहीं आती। वो फाइनली एग्री तो होता है, बोलता है कि अगर आप मुझे 5,000 रुपये दहेज में देंगे तो शायद मैं इस लड़की से शादी करूंगा। रामलाल अंदर जाते हैं और अपने हाथ में पैसों का नोट लेके आते हैं और उसको लाके दूल्हे के पैरों पे रख देते हैं रोते गिड़गिड़ाते हुए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है विलेजर्स के हिसाब से। और ये जब स्टोरी लिखी गई थी बहुत पहले, 5,000 रुपये एक बहुत बड़ी बात होती थी, दहेज देना तो वैसे भी गलत है, तो दहेज प्रथा के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। जब विशंबर फाइनली भोली को माला पहनाने वाला होता है तो भोली उस माला को लेती है, उसके हाथ से छीनती है और उसको अग्नि में डाल देती है, फायर में डाल देती है। वो बोलती है कि वो ऐसे आदमी से शादी नहीं करेगी जो एक डरपोक है और इतना लालची, ग्रीडी, मीन आदमी है, इससे वो शादी नहीं करना चाहती। उसके जो पेरेंट्स थे और जो लोग वहाँ पे खड़े थे वो एकदम स्टंड रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार भोली की आवाज़ सुनी इतने सालों में और वो बिना स्टैमरिंग के बात कर रही थी। रामलाल एकदम से चिल्ला पड़ता है, बोलता है कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा, और इस तरीके से अगर तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा तो हमारे ख़ानदान की इज्जत का क्या होगा। भोली बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स की देखरेख करना चाहती है, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती है, और वो उसी स्कूल में जाके पढ़ाएगी जहाँ पर उसने इतना कुछ अपनी लाइफ में सीखा है। मतलब वो जो टीचर थी उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर इतना था, उसकी जो टीचर थी वो पूरा ड्रामा देख रही थी, वहाँ पे खड़ी हुई थी, और उसने
वहाँ आके ये बोला यस भोली यू कैन। तो इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो पहला तो भोली है जो कि बहुत ही सिंपल सी लड़की है और बाद में मना कर देती है एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए जो कि बहुत ही लालची है। दूसरा कैरेक्टर जो रामलाल है वो भोली के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसकी बेटी है और उसको अपने सेंस ऑफ ऑनर का एक बहुत ही फॉल्स प्रिडिक्शन है, उसको लगता है कि मेरी इज्जत बहुत मायने रखती है। वो ये भूल गया कि वो लड़की को किस नरक में ढकेल रहा था। उसकी जो टीचर है थर्ड मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि काइंड है सिंपथेटिक है, जिसने भोली को बोलना सिखाया और भोली का इंटरेस्ट जगाया बुक्स की तरफ, और यही नहीं उसने उसको एज अ टीचर जॉब भी दी उस स्कूल में जहाँ पे वो काम कर रही थी। सो आई होप यू लाइक द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।